लाला, आज एक खबर आई और उस खबर पे काफी बात हो रही है। ऑब्वियसली ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप बहुत सारे प्लेयर्स अलग अलग चैनल्स पे मौजूद थे, टीम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहे थे, कुछ बिलो द बेल्ट क्रिटिसिज्म कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी नाराज था NOCs देने की। अब जब बात आई, क्योंकि लीग्स हो रही हैं दुनिया भर में, मोहम्मद आमिर की NOC जो है वो नहीं दी जा रही। T10 के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, मगर वो NOC उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं मिल रही है। आप इस स्टांस पे क्या कहेंगे? देखें, पहले तो ये है कि जितने भी आप बात कर रही हैं कि एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे थे टीवी चैनल्स पे बैठ के, देखिए उनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए चीजों का, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं। उन्होंने भी हर दिन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बुरे दिन भी देखे उन्होंने। तो आप अपनी टीम को उस हिसाब से, खासतौर पर जब टूर पे हो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। टूर खत्म हो जाए, अब क्या हुआ, जो बयान दिए हैं, अब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच गए। पहले तो कह रहे थे खेल ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते, फिर बंदा जिन प्लेयर्स के बारे में बात करता है, आप उनसे मिलते हो, आप क्या किस नजर से मिलते हो, क्या आप क्या चेहरा लेके सामने खड़े होते हो उन लोगों की जो आप क्रिटिसाइज करते हो, देन वो अगेन वो परफॉर्म करते हैं। तो बहुत एहतियात की जरूरत है, हमें सपोर्ट करना चाहिए दूसरों को। हाँ, जो क्रिटिसिज्म का तरीका होता है, अल्फाज चुने जाते हैं, बात की जाती है, आप सोल्यूशन देते हो, अच्छा मशवरा देते हो, और मेरे ख्याल में इस तरह मुझे जो पता चला मोहम्मद आमिर गया हुआ है अबू धाबी में, मेरे ख्याल में NOC उसकी क्लियर नहीं है, मगर NOC नहीं दी हुई अभी तक, NOC उनको मिली नहीं है खेलने के लिए। बाकी और 3-4 नाम है, इमाद वसीम है और कुछ प्लेयर्स हैं, चंद बहाब रियाज हैं जिनको NOCs मिल गई हैं, मगर मोहम्मद आमिर को अभी तक NOC नहीं मिली है।